नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सपने देखना में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से सपने देखने पर सच होते हैं, क्या सुबह के सपने सच होते हैं, दोपहर के सपने सच होते हैं या शाम के सपने सच होते हैं। पूरा डिटेल्स में जानेंगे। मैं अभी आ चुका हूँ सपने देखना .com पर और अभी मैं इस पोस्ट को आप लोगों को अपनी आवाज़ में पढ़कर सुनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सपने देखना .com में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से सपने सच होते हैं तो आप बिल्कुल सही पोस्ट पढ़ रहे हैं। इस पोस्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस समय सपने देखते हैं तो वह सपने सच होते हैं और किस समय के सपने देखने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस पोस्ट में आपको कौन से सपने सच होते हैं इन हिंदी का बिल्कुल सही और सटीक जवाब मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह के सपने। दोस्तों, अगर आप सुबह 3 बजे से 7 बजे के बीच कोई भी सपना देखते हैं तो उसका 99.9% सच होने का चांस रहता है। शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि सुबह देखा गया सपना सच होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार भी गोधूली यानी ट्यूबलाइट के समय देखा गया सपना बिल्कुल सच होता है। अगर आपको गोधूली का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य के उगने से पहले उसकी कुछ किरणों की लालिमा अगर दिखाई दे और सूर्य उदित ना हुआ हो तो यह समय गोधूली कहलाता है। तो अगर आप सुबह सुबह कोई भी सपना देखते हैं तो वह सपना सच हो सकता है। जो भी सपना आप सुबह सुबह देखते हैं उसका अर्थ आपको हमारे इस वेबसाइट सपने देखना .com पर बिल्कुल मिल जाएगा। किसी भी सपने का अर्थ अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुबह के सपने सच होते हैं। अब आते हैं दोपहर के सपने। दोस्तों, दिन में देखा गया कोई भी सपना सच नहीं होता है। स्वप्न शास्त्र में भी उल्लेख किया गया है कि दिन में अगर आप सोते हैं और कोई भी सपना देखते हैं तो वह सपना कभी भी सच नहीं होता है। तो अगर आप दोपहर में कोई भी सपना देखते हैं या दिन में किसी भी समय अगर आप सोते हैं और आपको सपना आ जाता है तो आपको उन सपनों का अर्थ ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन में देखे गए सपनों का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए अगर आप दोपहर में कोई भी सपना देखते हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आपको दोपहर में देखे गए सपनों का अर्थ ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोपहर में देखे गए सपनों के कारण आपको परेशान होने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का अगर आप सपना देखते हैं तो बिल्कुल भी आप भूल जाए, उन सपनों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शाम के सपने। दोस्तों, अगर आप शाम के 6 से 10 बजे के बीच सोते हैं और आपको कोई सपना आ जाता है तो इन सपनों का सच होने का 50% चांस रहता है। मतलब अगर शाम के 6 से 10 बजे के बीच सोते हैं और आपको किसी भी प्रकार का सपना आता है तो इन सपनों का अर्थ आपको ढूंढ लेना चाहिए। शाम के देखे गए सपने भी सच होते हैं, लेकिन सभी सपने सच नहीं होते हैं। अगर आप दिन में किसी भी प्रकार का कोई काम किए हैं, कुछ आपने दिन में देखा है और वही आपको शाम को जब आप सोते हैं तो वही चीज आपके दिमाग में आ जाता है, आप सपने में उसे देख लेते हैं तो उसका सच होने का कोई चांस नहीं रहता है। लेकिन वही अगर आप शाम में 6 से 10 बजे के बीच सोते हैं और आप सपना देखते हैं और सपने में जो कुछ भी आप देखते हैं उसका आपके दिन भर के कामों से कोई मतलब नहीं रहता है तो आपका यह सपना सच हो सकता है और इसका अर्थ आपको जरूर ढूंढ लेना चाहिए। आधी रात के सपने। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार आधी रात को देखे गए सपने भी सच होते हैं। आधी रात को देखे गए सपनों का सच होने का 80% चांस रहता है। मतलब अगर आप आधी रात यानी 12 बजे के आसपास कोई भी सपना देखते हैं तो इन सपनों का 80% चांस रहता है कि वह सच हो सकता है। इसलिए अगर आप आधी रात को किसी भी प्रकार का सपना देखते हैं
और आपकी नींद खुल जाती है तो आपको इन सपनों का मतलब जरूर से जरूर ढूंढ लेना चाहिए। यह आपके लिए कोई संकेत हो सकता है, भविष्य में होने वाली किसी प्रकार की घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। इसलिए आधी रात को देखे गए सपने स्वप्न शास्त्र के अनुसार सच होते हैं। दोस्तों, चाहे आप रात में कितने भी बुरे या कितने भी अशुभ फल देने वाले सपने क्यों ना देख लेते हो, अगर आपको उस सपने का क्या फल प्राप्त होगा यह आपको अगर पता चल जाता है तो उसी समय उस सपने का प्रभाव आधा हो जाता है। इसलिए अगर आपको रात में बुरे या किसी भी प्रकार के सपने आए तो आपको उन सपनों का क्या अर्थ है यह जान लेना चाहिए, क्योंकि जब आपको यह पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ बुरा या कुछ भला होने वाला है तो आप उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करने लगते हैं, जिससे सपने का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर कोई बुरे सपने अशुभ फल देने वाले आप देखते हैं तो आपको उसी दिन से अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करनी शुरू कर देनी चाहिए। 3 महीने तक लगातार आप अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करें, आपके किसी भी बुरे से बुरे सपने का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पोस्ट में मैंने कौन से सपने सच होते हैं का बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा यह पोस्ट में दिया गया जानकारी सही लगे तो हमारी वेबसाइट को ईमेल आईडी डालकर फॉलो जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई पोस्ट पब्लिश करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सपनेदेखना.com पर जाकर और भी बहुत सारे पोस्ट जाकर देख सकते हैं। यह मैंने आप लोगों को सपनेदेखना.com के माध्यम से पढ़कर सुनाया है, क्योंकि इस वेबसाइट में आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलता है। तो आप सपनेदेखना.com पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे आपके सपने से रिलेटेड।